पहले आजम खान की खो गई थी भैंस, अब बीजेपी विधायक की भैंस चोरी। भैंस की तलाश में जुटी पुलिस, क्या यही है योगी का अपराध मुक्त प्रदेश? यूपी में अपराधियों का खूब बोलबाला है। देश के सबसे बड़े सूबे से आए दिन चोरी की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब जो चोरी का मामला सामने आया है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल सीतापुर के हर गांव से बीजेपी विधायक सुरेश राही की भैंस खो गई है। विधायक साहब की भैंस गायब होने की खबर जब पुलिस महकमे को लगी तो पुलिस सब कुछ छोड़कर भैंस को ढूंढने में लग गई। हाँ, ये मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने तहरीर दी हुई है कि उनकी दो भैंसें चोरी हो गई हैं। एक भैंस है, एक भैंस का बच्चा है, और उसके बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। कब ये भैंसें चोरी हुई और पुलिस ने अभी तक क्या इसमें छानबीन? ये कल की घटना है और उसके पीछे जो आसपास के गांव में ऐसा जो पहले पूर्व में करते रहे हैं उनके बारे में अभी देखा गया है, तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं ढूंढने का। एश्योर किया है पुलिस ने कि हम भैंसे ढूंढ के देंगे, समझ गए। और मेरी समझ में लोग लगे हैं क्योंकि कई जगह पूछताछ करने गए हैं, वहां से हमको भी खबर चली है। बातें वर्तमान में जो पुलिस कप्तान आया है वो सक्रिय है। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं, हम इस पर नहीं मानते हैं। इसमें दो है, मैं दो राय नहीं कि भाजपा से हमारा बेटा विधायक है, हम भी भाजपा में हैं शामिल, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि भाजपा का विधायक है इसलिए चोरी हो गई। इससे पहले भी चोरियां होती रही हैं, बहुत जगह चोरी हुई। बिल्कुल सही कहा आपने नेताजी, चोरियां होती है और सभी जगह पर होती हैं। लेकिन सवाल तो पुलिस के दोहरेपन का है। जब पुलिस किसी गरीब या कमजोर की बात को अनसुना कर देती है, यहाँ तक कि उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती, और एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के नेता भी भैंसों को ढूंढने में पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ है, सवाल बड़े हैं जिनका जवाब कानून के इन रखवालों के साथ साथ सूबे के मुखिया को देना चाहिए। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।